नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चीन में स्थित 1400 साल पुराने गोल्डन ट्री की। इस पेड़ की पत्तियों के गिरने के 20 दिनों की अवधि में लगभग 60,000 लोग इस पेड़ को देखने के लिए मठ में आते हैं। भीड़ न बढ़े इसलिए मठ लोगों की संख्या पर कंट्रोल करता है। मठ में घूमने आने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराना होता है। इसके साथ ही यहाँ हजारों लोगों को लाइन में भी लगना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक ये पेड़ तांग राजवंश ने एक बौद्ध मठ में लगवाया था। ये पेड़ की बेहद प्राचीन प्रजाति है जिसके कारण ये इतने लंबे समय से बचा हुआ है। ये छाया तो देता ही है, इसके साथ ही कई पारंपरिक चीनी दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस पेड़ के साथ के कई पेड़ इतने लंबे समय तक नहीं बच सके, तो आखिर ये पेड़ इतने लंबे समय से कैसे जीवित है? हालांकि इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग मानते हैं कि मठ में सकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण ये पेड़ 1400 साल से खड़ा हुआ है। इस पेड़ की 270 मिलियन वर्ष पुरानी प्रजाति है। इसे ऑटम गोल्ड यानी पतझड़ का सोना के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका आकार पंखे की तरह दिखाई देता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।